हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है प्लान हेड्स, जो कि एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल के अंतर्गत आता है। ये काफी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो प्लान हेड्स को हम माइनर हेड्स भी बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्लान हेड का नंबर दिया होता है और उसके बाद पूछा जाता है कि ये प्लान हेड किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सपोज प्लान हेड्स 11 है, तो प्लान हेड्स 11 जो है तो एस्टेब्लिशमेंट और फॉर न्यू लाइंस के लिए है। यहाँ पे जो भी रेलवे लाइंस हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उनके लिए प्लान हेड 11 है। वैसे प्लान हेड 12 जो है तो परचेज ऑफ न्यू लाइंस। प्लान हेड 13 जो है तो रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल्ड लाइन। सपोज फ्लड्स वगैरह आ जाता है कई बार, तो उस केस में बहुत सारा जो रेलवे लाइन्स होता है वो डिसमेंटल्ड हो जाता है, तो उस केस में जो है तो रिस्टोर करने के लिए जो है तो प्लान हेड 13 का यूज किया गया। यहाँ पे प्लान हेड 14 जो है वह गेज कन्वर्जन है। तो जैसे नैरो गेज से ब्रॉड गेज में जब कन्वर्ट होता है यहाँ पे, तो उस केस में प्लान हेड 14 के का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्लान हेड 15 जो है वह डबलिंग के लिए है। डबलिंग ऑफ द ट्रैक जब करते हैं तो प्लान हेड 15 का यूज करते हैं। ऐसे प्लान हेड 16 जो है तो ट्रैफिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर यार्ड की रिमॉडलिंग करने के लिए। यार्ड में जैसे और नई लाइन्स हमें लाना है वहां पे, तो उस केस में भी जैसे अभी स्मार्ट यार्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इस केस में यार्ड रिमॉडलिंग के लिए भी प्लान नंबर 16 जो है, प्लान हेड 16 है, काफी इम्पोर्टेंट है। प्लान हेड 17 जो है डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन के लिए। प्लान हेड 18 जो है वह रेलवे रिसर्च के लिए है, तो रेलवे रिसर्च जैसे आरडीएसओ और जो अदर विंग्स हैं वह रेलवे रिसर्च में जो इन्वॉल्व है, रिसर्च जैन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, तो रेलवे रिसर्च में प्लान हेड 18। और प्लान हेड 21 है रोलिंग स्टॉक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, काफी इम्पोर्टेंट है। आईएमपी के आगे लिख लीजिए, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए प्लान हेड 21 है। इसके बाद प्लान हेड 29 जो है वह रोड सेफ्टी वर्क्स के लिए। रोड सेफ्टी वर्क्स में लेवल क्रॉसिंग आ जाए तो एलसी जो की क्रॉसिंग्स के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है, प्लान हेड 29। प्लान हेड 30 जो है ये भी रोड सेफ्टी वर्क्स के लिए है, जिसमें अंडरब्रिज और ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज, रेल ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज और रोड ओवरब्रिज को देखा जाता है यहाँ पे, प्लान हेड 30। इसके बाद प्लान हेड 31 जो है वो ट्रैक रिन्यूअल्स करने के लिए है, और प्लान हेड 32 है वह ब्रिज वर्क्स के लिए है। जैसे रेलवे कई बार नए नए ब्रिजेस बनाती है, तो ब्रिज वर्क्स के लिए जो है तो प्लान हेड 32 है।